फ्रेंड्स, एंटायर हाउसहोल्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसा हेल्दी पाउडर बनाएंगे जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। कोविड का टाइम चल रहा है, इस पाउडर को आप सुबह शाम दूध के साथ लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट ही होगी। चलो देखते हैं कैसे बनता है। तैयार होने का इम्यूनिटी बूस्ट पाउडर कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए देखते हैं हमने किन किन सामग्री को लेके इसे बनाया है। हमने जो भी सामग्री ली है वो 50 ग्राम ली है सारी। सिर्फ मखाने हमने 100 ग्राम लिए हैं। 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खसखस पोस के दाने, 50 ग्राम सूखा नारियल के गोरा, 50 ग्राम काली मिर्च और धागे वाली मिश्री, ये भी हमने 50-50 ग्राम ली। काली मिर्च और धागे वाली मिश्री आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बड़ा घटा सकते हैं। हमने सिर्फ मखाने ही 100 ग्राम लिए हैं। अब हम मखाने को सबसे पहले रोस्ट करेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए और हम इसमें अब मखाने डालेंगे। इसे हम 5-7 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो गए इसे जानने के लिए हम इसमें से एक मखाने निकाल के खा के देखेंगे। अगर ये हमारे दांतों को नहीं चिपक रहा है तो ये रोस्ट हो चुका है। अब हमारा ये रोस्ट हो गया, हमने इसे निकाल लिया है। गैस को हमने बंद कर दिया। कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है, इसमें हम थोड़ी देर सौंफ को भी रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हमने करीब 2-3 मिनट तक किया है। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, इसका सिर्फ मॉइस्चर निकालना है। सौंफ हमारी रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम काली मिर्ची को रोस्ट करेंगे। गैस हमारा बंद है, कढ़ाई बहुत गर्म थी तो जरूरी नहीं कि आप गैस को जला के करें, सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालना है हमें, इसे सेकना नहीं है। इसे भी हमने करीब 2-3 मिनट तक सेका है और इसे निकाल लिया है। अब ग्राइंड करेंगे। इसलिए मिक्सी की तैयार में हम एक एक चीजें सब डालेंगे। सबसे पहले हम सौंफ को ग्राइंड कर रहे हैं। इस तरह से हमने सौंफ को ग्राइंड कर लिया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम काली मिर्ची को पीसेंगे। ये काली मिर्ची भी हमारी पीस चुकी है, इसे भी हम इसी बाउल में निकाल देंगे। अब हम बादाम और अखरोट को एक साथ पीसेंगे। इस तरह से हमने बादाम और अखरोट को भी पीस लिया है और इसे भी इसी बॉल में निकाल दिया। इसे रोक रोक के पीसे क्योंकि इसमें अगर तुम एक साथ पीसोगे तो इसका ऑयल निकल आएगा। इसे मिक्सी को रोक रोक के चलाएं। ये हमने खोपरा लिया है, ये भी 50 ग्राम ही है और ये पोस्त के दाने, इसे भी हम एक साथ ही पीस लेंगे वरना पोस्त के दाने पीसने में नहीं आएंगे। इसे हम खसखस भी कहते हैं और इस तरह से हमने इन्हें भी ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे भी मिला देंगे। अब हम इसे मखाने डाल के पीसेंगे। मखाने हमने केस सेक लिए थे इसलिए आसानी से ये पीसने में आ जाएंगे। मखाने क्वांटिटी में ज्यादा थे इसलिए हम इसे दो बार पीसेंगे। एक बार में ही हमारी जार में नहीं आए, अगर आपका जार बड़ा हो तो उसमें आ जाए। इसी तरह हमने धागे वाली मिश्री ली, इसे हमने खलबत्ते में थोड़ी पीस ली है, कूट ली है और इसके धागों को निकाल दिया है और फिर मिक्सी में ग्राइंड किया है।
अब हम इसे मिला देंगे। अगर आपको लगता है कि काली मिर्च ज्यादा हो गई है, मीठा ज्यादा हो गया, तो आप चाहो तो इसमें खोपरा, जो नारियल के सूखा नारियल है वो, या बादाम, इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब हम ग्लास का एक जार लेंगे और इसमें इसको भर के रख देंगे। हमें जो जार लेना है वो एयर टाइट कंटेनर ही लेना है, ताकि हम इसे ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकें और ये खराब ना हो। इस तरह से हम जार को भर लेंगे और इसे बंद करके रख देंगे। और ये हमारा तैयार हो चुका है इम्यूनिटी बूस्ट पाउडर। आप इसे सुबह शाम दूध के साथ लीजिए और अपने इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो फैमिली और फ्रेंड का जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।